वहीं राजस्थान के टोंक में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर सी विजुअल ऐप डाउनलोड करवाया। साथ ही इस बैठक में पुलिस उप अधीक्षक देशराज ने आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील की। आज बरौनी थाने में डिप्टी साहब एसएसओ साहब के साथ जो आगामी त्योहार का जो सीजन है, जिसमें होली, धुलंडी और ईद का है, उस संबंध में हमने शांति समिति और जो ग्राम सखी है उन सबकी मीटिंग ली गई थी। और इसमें जो आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसकी दृष्टि से भी जो जनता को जागरूकता के लिए जो ऐप चुनाव आयोग द्वारा है, जैसे सी विजिल है, सक्षम ऐप है, और हमारे VHA वोटर हेल्पलाइन नंबर है, NGVS पोर्टल वगैरह, उनकी जानकारी दी गई है। और जो आगामी जो त्योहारी सीजन है उसके तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके लिए लोगों से परस्पर संवाद किया जाए। आज बरौनी थाने के ऊपर CLG के सदस्य, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था, जिसमें आगामी आने वाले त्यौहार है, ईद है, होली है, धुलंडी है, इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए। और आगामी लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी जागरूक करना, इसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी देना, सक्षम ऐप, CVG जिसमें समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से होता है, आचार संहिता पर कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसके बारे में भी उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप इस प्रकार से शिकायत कर सकते हो, जिससे आपकी शिकायतों का निस्तारण किया जा सके।